सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान, जय किसान। साथियों, हमारा किसान आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और सबसे पहले मैं पंजाब के सभी किसान संगठनों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा आंदोलन किया और पंजाब सरकार को मजबूर कर दिया गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए। इसके लिए पंजाब के सभी किसान संगठन बधाई के पात्र हैं। साथियों, जो दिल्ली के बॉर्डरों पे जो हमारे मोर्चे चल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। लोगों में उमंग है, जोश है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस भी लगातार नई साजिशें रचते जा रहे हैं। उनका काम है, बीजेपी आरएसएस का काम है षड्यंत्र रचना। वो पहले दिन से इस मोर्चे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और अब उन षड्यंत्र रचने की उनकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। उसी के बारे में आज हम आपको आगाह करेंगे। साथियों, कई जगह लोगों ने सवाल भी पूछा, आरएसएस का एक संगठन है भारतीय किसान संघ, उसने कुछ दिन पहले टीवी पर ऐलान कर दिया कि यदि केंद्र सरकार ने एमएसपी की मांग पूरी नहीं की तो आरएसएस का भारतीय किसान संघ 8 तारीख से प्रदर्शन करेगा देश भर में। साथियों, हमें बीजेपी आरएसएस की इस चाल से सावधान रहना होगा, हमें भारतीय किसान संघ की इस चाल से सावधान रहना होगा। यह भारतीय किसान संघ, यह आरएसएस का संगठन वही संगठन है जब 2017 में मध्य प्रदेश में गांव बंद आंदोलन चल रहा था, सभी किसान संगठन मिलकर आंदोलन लड़ रहे थे। 1 से 10 जून तक का आंदोलन था, 4 जून तक आंदोलन जब चलता रहा और आंदोलन शिखर पे पहुंचने लगा। समझने की बात यह है कि पहले 4 दिन भारतीय किसान संघ यानी आरएसएस के संगठन ने उस आंदोलन का विरोध किया, लेकिन जब वो 4 तारीख को अपनी शिखर पे चढ़ा और आरएसएस वालों को लगा कि आंदोलन तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, तो 4 तारीख को आरएसएस भारतीय किसान संघ को उस आंदोलन के अंदर घुसाने की असफल कोशिश करता है। बिना कोई बुलावा दिए हुए भारतीय किसान संघ सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कहता है कि मध्य प्रदेश के गांव बंद आंदोलन का वो समर्थन करते हैं। उसके एक दिन बाद भारतीय किसान संघ उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मीटिंग कर लेता है और कहता है कि सारी मांगे पूरी हो गई। टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सारी मांगे पूरी हो गई, जबकि जो किसान संगठन रियलिटी में आंदोलन कर रहे थे उनको बड़ा सदमा लगा कि ये आंदोलन तो हमारा है, ये भारतीय किसान संघ कौन होता है ये कहने वाला कि आंदोलन की सारी मांगे पूरी हो गई। उसके बाद अगले दिन 6 तारीख को वहां पे किसानों ने बड़े पैमाने पर रोष प्रदर्शन किया और बड़े पैमाने पर जुलूस निकाले। उसके बाद बीजेपी की ही सरकार ने 6 तारीख को निर्दोष किसानों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मंदसौर में 6 किसानों की शहादत हुई थी और कम से कम 7 से 8 हजार किसानों पे पर्चे दर्ज किए गए थे, बहुत सारे किसानों को जेल में डाला गया था। तो जो मंदसौर गोलीकांड हुआ उसके लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार तो जिम्मेदार थी ही थी। उन 6 किसानों की हत्या करने के लिए आरएसएस का किसान संगठन भारतीय किसान संघ भी जिम्मेदार था, क्योंकि भारतीय किसान संघ ने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया था, किसानों के आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। और सबसे बड़ा सवाल साथियों, सरकार तो इन्हीं की है आज केंद्र में, यह मोदी सरकार किसकी है? यह आरएसएस वालों की ही तो सरकार है। इनकी सरकार किसानों के ऊपर 3 काले कानून जबरदस्ती थोपती है, इनकी सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं करती है, यह आरएसएस की सरकार है, भारतीय किसान संघ आरएसएस का हिस्सा है। तो यह कौन सा ड्रामा कर रहे हैं कि सरकार भी इनकी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का, यह ड्रामा भी करेंगे, नाटक भी करेंगे, यानी कुल मिला के ये नूरा कुश्ती करने का प्रयास कर रहे हैं, ड्रामा करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन आरएसएस के लोगों को हम बताना चाहते हैं, ये किसान समाज सब समझता है, इन बीजेपी इन आरएसएस वालों की किसी चाल में नहीं आएगा। आज भारत का हर किसान, जो 80 करोड़ किसानों का परिवार है हिंदुस्तान का, ये संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है। जो पिछले 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा है, किसान इस आंदोलन के साथ है। किसानों की मांग है 3 काले कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। ये किसान
अब बहकावे में नहीं आएंगे, ये किसान किसी आरएसएस की बातों में नहीं आएंगे, ये किसान किसी बीजेपी वालों की बातों में नहीं आएंगे। हम इन बीजेपी आरएसएस वालों को ये याद दिलाना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इन्होंने हरियाणा में एक नाटक रचा था, SYL के पानी के नाम पे बीजेपी वालों ने हरियाणा में धरने लगाने का प्रयास किया था, लेकिन रियल किसानों ने उन धरनों का क्या हाल किया था? बीजेपी वाले आगे आगे, उनके टेंट वेंट भी उखड़ते गए, कहीं कोई प्रोग्राम नहीं होने दिया। तो यदि कोई भी संगठन, यदि कोई भी बीजेपी आरएसएस या उनकी किसी सहयोगी पार्टी का संगठन किसानों को बहकाने का प्रयास करेगा तो किसान उसका जोरदार तरीके से इलाज करेंगे और अब किसान बहकावे में नहीं आएंगे। दूसरी बात साथियों, 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक किसान महापंचायत होने वाली है, ऐतिहासिक किसान रैली होने वाली है। मैं तो कहूंगा वो रैली नहीं, वो रैला होगा। पंजाब के किसान बड़े संख्या में आएंगे, हरियाणा में अभी मैं कई जगहों का, कई जिलों का दौरा करके आया तो हरियाणा से बड़ी संख्या में, कम से कम 8 से 10 हजार गाड़ियां हरियाणा से जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में। यूपी के अंदर उत्साह है, यूपी के जिले जिले में मीटिंगें चल रही हैं और बीजेपी आरएसएस वालों ने जितनी चालें वहां पे चली हमारी पंचायत को डिस्टर्ब करने के लिए, वो उनकी सारी चालें उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ गई। उन्होंने वहां पर खापों का टकराव करवाने का प्रयास किया लेकिन वो उनको उल्टा पड़ गया। उन्होंने लोगों को धर्म जाति के बांटने पर लगातार वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसान कह रहे हैं कि ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, पहले हम भारत के किसान और नौजवान हैं। सबके जुबान पे एक ही बात कि 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में जो रैली होने वाली है वो ग्राउंड तो छोटा पड़ेगा ही पड़ेगा, पूरा मुजफ्फरनगर शहर उस दिन किसान महापंचायत में तब्दील हो जाएगा। बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं और ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी। 1947 के बाद से इतनी बड़ी पंचायत कभी नहीं हुई होगी जितनी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली है। सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, कम से कम 20 से 25 लाख किसान आएंगे, कश्मीर के किसान आएंगे, हरियाणा के किसान आएंगे, पंजाब के किसान आएंगे, केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हर जगह के किसान उस किसान महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। तो हम भी आह्वान करते हैं देश भर के किसानों से, जो ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 5 तारीख को जो किसान महापंचायत होने जा रही है मुजफ्फरनगर में, हम सब की जिम्मेदारी बनती है इस किसान महापंचायत को सफल करें। साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर से मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड का भी ऐलान होने वाला है, तो पहला इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए, वो पहली हमारी पंचायत ऐसी होनी चाहिए कि जो बीजेपी आज, बीजेपी वाले जो आज घुटनों पे बैठे हैं, ये बीजेपी वाले नाक रगड़ने पे मजबूर हो जाएं। ऐसी महापंचायत हमारी होनी चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अपने अपने गांव में ड्यूटियां लगाओ, जिन गांव में तैयारी नहीं हुई है अपनी गाड़ियों को तैयार करो और मुजफ्फरनगर की पंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचो। GIC ग्राउंड में ये महापंचायत होने वाली है। साथियों, इसके पैरेलल में बीजेपी वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत शरारत भी कर रहे हैं, बहुत गुस्ताखी भी कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस वाले। उनके एक नेता ने चौधरी चरण सिंह के बारे में बहुत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा हैं, उनके बारे में बीजेपी वालों ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को पहले ही निपटा दिया होता तो अच्छा होता। ऐसी बातें हमारे किसान समाज के पूर्वजों के बारे में बोली जा रही है बीजेपी आरएसएस द्वारा। साथियों, यदि कोई हमारे पूर्वजों के बारे में ऐसा बोले और हम बर्दाश्त कर लें, यह चीज ठीक नहीं है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से इन बीजेपी आरएसएस वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है। यदि अब भी हमारा खून नहीं खोलेगा तो फिर यकीन मानिएगा कि हमारी नसों के अंदर खून नहीं, पानी बह रहा है। लेकिन जो हम जवाब देंगे वो जवाब शांति के साथ देंगे, वो जवाब अनुशासन के साथ देंगे, वो जवाब तौर तरीके से देंगे। और हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर की रैली। ये बीजेपी आरएसएस वाले तो सिर्फ मुंह से बोलते हैं, हम समय और अपने तरीके, अपने काम से इनको जवाब देंगे। यदि मुजफ्फरनगर रैली हमने रिकॉर्ड तोड़ कर दी, 20 से 25 लाख आदमी वहां पहुंच गए, तो बीजेपी वालों के मुंह पर करारा तमाचा होगा और उन नेताओं के, बीजेपी के उन नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा होगा जो हमारे पूर्वजों के बारे में गलत बोलते हैं। इन बीजेपी वालों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को तालिबानी बता दिया। अरे किसान तो वो कौम है
जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं वो है किसान कौम। किसान कौम अपना पेट चीर के पूरे देश का पेट भरने का काम करती है। हरित क्रांति के बाद किसानों ने पूरे भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। किसान खुद कर्जदार हो गया, लेकिन उसके बावजूद किसान ने लगातार दिन रात मेहनत की, अपनी खून पसीने की मेहनत से पूरे देश का पेट भरने का काम किया, पूरे देश को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, अनाज के मामले में सरप्लस कर दिया। और आज उस किसान कौम को बीजेपी वाले तालिबानी बोल रहे हैं। तालिबानी कौन है जो दूसरों के ऊपर अपनी चीजें थोपें, जो गुंडागर्दी करें, जो लोकतंत्र में विश्वास ना रखते हो, जो मानवता में इंसानियत में विश्वास ना रखते हो, वे तालिबानी हैं। तो असली तालिबानी काम तो ये बीजेपी आरएसएस वाले कर रहे हैं, जो लोगों को, लोगों के साथ धर्म के नाम पे जाति करते हैं, लोगों को धर्म जाति के नाम पे बांटते हैं। ये बीजेपी आरएसएस वाले हमारे देश के लोकतंत्र के नाम पे कलंक हैं। पिछले 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, लेकिन किसानों की मांगे पूरी नहीं की जा रही। तो ये गलत सोच तो बीजेपी आरएसएस वालों की है, ये अलोकतांत्रिक सोच तो बीजेपी आरएसएस वालों की है। साथियों, आपको एक चीज और बता दें, इन 3 कृषि कानूनों का जो मेन एजेंडा था बीजेपी आरएसएस का, कॉरपोरेट घरानों का, वो था किसानों की जमीन छीनना। ये इन 3 काले कानूनों का मेन एजेंडा था। अब जमीन छीनने के लिए बीजेपी वाले नए साजिश रच रहे हैं। हरियाणा के अंदर इन्होंने भूमि अधिग्रहण में कानून में बदलाव कर दिए। पहले क्या होता था कि कहीं की भी जमीन एक्वायर करने के लिए सरकार को 70% किसानों की सहमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इन्होंने विधानसभा में एक कानून पास कर दिया, एक बिल पास कर दिया, और अब नए कानून के तहत यदि किसी किसान की जमीन लेनी होगी तो किसानों की सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं है सरकार को, सिर्फ एक कलेक्टर जमीन एक्वायर कर सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो भी अब जमीन एक्वायर करेंगे ये बिना किसानों की सहमति के करेंगे। पहले 70% किसानों की सहमति लेना जरूरी होता था, पहले नोटिफिकेशन भेजी जाती थी, पहले धारा 4 और धारा 6 के तहत पहले नोटिफिकेशन भेजी जाती थी, लेकिन अब कोई नोटिफिकेशन भेजी नहीं जाएगी। इसके अलावा पहले क्या होता था, किसी किसान की जमीन का एक्विजिशन होता था, किसी किसान की जमीन का अधिग्रहण होता था, तो उसको घर बनाने के लिए दूसरी जगह प्लॉट दिया जाता था, लेकिन अब सरकार कोई प्लॉट नहीं देगी घर बनाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो जमीन का अधिग्रहण होगा उसमें औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी उसके अंडर में। औद्योगिक कॉरिडोर मतलब कंपनियां भूमि अधिग्रहण करेंगी, उनके लिए छूट होगी। नेशनल हाईवे, रेलवे जहां से गुजरेगी उसके 1 किलोमीटर उस तरफ और 1 किलोमीटर उस तरफ, कहीं भी ये जमीन छीन सकते हैं किसानों से। कोई किसानों की सहमति नहीं ली जाएगी, यानी 2 किलोमीटर के दायरे में जो रोड होंगे, जो नेशनल हाईवे होंगे, जो रेलवे होगी, उसके दोनों तरफ 1 किलोमीटर इस तरफ, 1 किलोमीटर इस तरफ, यानी टोटल 2 किलोमीटर के उसमें कोई भी जमीन ये किसानों से छीन सकते हैं। यानी सरकार की मंशा साफ है कि ये किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं। इससे पहले ये 2014 में 3 बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए थे, केंद्र की सरकार द्वारा जो लाया गया था, मोदी सरकार द्वारा, वो 3 बार कोलैप्स कर गया था। अब ये राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों की जमीन छीनने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, तो किसानों को सावधान होना होगा भाइयों। इसके अलावा किसानों की तो जमीन ये छीनने की साजिश रच ही रच रहे हैं, बीजेपी आरएसएस वाले, ये मोदी सरकार पूरे देश को बेचने की साजिश रच रही है। इसलिए हर वर्ग को खड़ा होना होगा देश को बचाने के लिए। आपने सुना होगा सरकार एक नया प्रोजेक्ट लेके आई, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। उसके तहत जो सरकारी संपत्ति है, जो देश के लोगों की खून पसीने की कमाई से बनी है, जो देश के लोगों के टैक्स से बनी है, उन संपत्तियों को अब या तो बेचा जा रहा है या उनको किराए पर दिया जा रहा है, यानी गिरवी रखा जा रहा है कॉरपोरेट घरानों के पास। आप बात कर लीजिए सड़क की, राष्ट्रीय राजमार्गों को प्राइवेट कंपनियों को दिया जाने की साजिश रचली सरकार ने, रेलवे ट्रैक को, रेलवे स्टेशन को, रेलगाड़ियों को प्राइवेट हाथों में देने की साजिश रचली है। उसके अलावा गैस पाइपलाइन को, ऑयल पाइपलाइन को, स्टेडियम्स को, बहुत सारी चीजों को अब ये सरकार प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपने की तैयारी कर चुकी है। साथियों, यदि ये सारी चीजें प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चली गई
तो जो बचा खुचा रोजगार है वो भी खत्म हो जाएगा, सब जगह नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा चल जाएगी। अब ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि देश को बचाने की इस लड़ाई में किसान समाज का साथ दे। जो किसान 9 महीने से संघर्ष कर रहा है, ये अपने साथ साथ सभी वर्गों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ये पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। अब हर कर्मचारी, अब हर नौजवान, हर महिला, हर आदिवासी, हर दलित, हर भारतीय की यह जिम्मेदारी बन गई है कि यदि देश को बचाना है तो इस महाक्रांति में किसान समाज का साथ देना होगा। साथियों, जो आज आंदोलन हम लड़ रहे हैं, ये आंदोलन, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई में साथ दे किसानों का। हमें अपने देश को बचाना है, कॉरपोरेट घरानों के चुंगल से बचाना है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश को बचाएं। प्रधानमंत्री मोदी पहले कहते थे, जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे, कहते थे देश को नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। इनकी सारी आर्थिक नीतियां फ्लॉप हो गई, सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हैं, सरकारी कंपनियों को बेचने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक बड़ा सवाल है, मोदी सरकार क्या प्रोपोगेंडा करती है? मोदी सरकार कहती है कि ये सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, सरकारी कंपनियां कर्जे में चली गई, इसलिए इनको बेच दो या किराए पे दे दो। लेकिन ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये कंपनियां घाटे में गई क्यों, ये कंपनियां कर्जे में गई क्यों? जो कंपनियां 2014 से पहले, जो नवरत्न कंपनियां, सरकारी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही थी, जो पीएसयू, मोदी सरकार के सत्ता में आते ही सारी घाटे में चली गई। जिस देश का प्रधानमंत्री बीएसएनएल को बढ़ावा ना दे और जियो यानी रिलायंस की जियो के लिए अखबार के पहले पन्ने पे ऐड करे, तो बीएसएनएल तो फिर नुकसान में जाएगी ही ना। बीएसएनएल के सभी टावरों को उन्हें पौने दामों पे दे दिया गया जियो को, और प्रधानमंत्री मोदी जियो की ऐड कर रहे हैं, तो फिर तो बीएसएनएल बर्बाद होगी ही ना। बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम ना दिया जाए तो बीएसएनएल तो बर्बाद होगी ही ना। तो सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि यह कंपनियां घाटे और कर्जे में गई क्यों। तो साथियों, अंत में मैं आपसे यही कहता हूं, कल यानी 26 तारीख को, 26 और 27 को संयुक्त किसान मोर्चा का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, जिसमें देश भर के 1.5 से 2 हजार डेलीगेट, किसान डेलीगेट भाग लेंगे। मंत्रणा की जाएगी आंदोलन की आगे की रणनीति पर, क्या स्ट्रेटेजी हो, क्या रणनीति हो, और एक बड़ी अच्छी रणनीति बना के पूरे देश के साथ हम वो साझा करेंगे। रणनीति इसी बात पे बननी है कि आने वाले समय में आंदोलन को तेज कैसे करना है, आंदोलन को बड़ा कैसे करना है, ताकि हमारा आंदोलन अधिक से अधिक सफल हो पाए। साथियों, अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, किसान एकता मोर्चा एक साधारण किसान की आवाज है, जो एक साधारण किसान की, जो धरनों की, जो मोर्चों की आवाज को पूरी दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाने का काम करता है। तो किसान एकता मोर्चा के साथ आप अपना लगाव बनाए रखिए, इस पेज को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर बैठे हैं, किसी कारणवश आप मोर्चे पर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सोशल मीडिया पे मिशन मान के किसान एकता मोर्चा की हर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, अधिक से अधिक फेसबुक पेजेस में डालो, फेसबुक ग्रुप्स में डालो, क्योंकि हमारे पास बीजेपी आरएसएस वालों की तरह गोदी मीडिया तो है नहीं, बीजेपी आरएसएस वालों की तरह पेड आईटी सेल तो है नहीं। ये किसान एकता मोर्चा के जो वॉलंटियर्स, जो योद्धा हैं, यही किसानों की आवाज़ है। तो इस आवाज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।